तो अगर नमाज नहीं छूटेगी तो आप समझ लीजिए आपकी हाजिरी अल्लाह के बली की बारगाह में कबूल है। और जैसे के जैसे आए थे वैसे के वैसे चले गए वापस, तो हाजिरी सिर्फ तबर्रुक की खातिर है, सिर्फ तबर्रुक की खातिर है कि लड्डू लेने आए थे और लड्डू लेने चले गए, तुम भी लड्डू बन गए। सड़कों पर बहुत से लड्डू भी भर रहे हैं आजकल रोड में, समझ रहे हो सारे, सड़कों पर बहुत से लड्डू भी भर रहे हैं। आप लड्डू वाले नहीं हो, आप तो अल्लाह के बंदे हो। कि सबसे पहले आज नमाज जिस अल्लाह के वली के बारगाह में हम आए हैं, इन्होंने भी नमाज पढ़ी है। गौसे आजम की 11वीं चल रही है तो गौसे आजम ने नमाज पढ़ी है। हम अगर इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे तो फिर चलेगा कौन? कौन चलेगा अल्लाह के वलियों के बारगाह में और कौन अपने आखिरत को सुधारेगा? तो आप ये देखना है कि आप जोहर की पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, असर की पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, मगरिब की पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। पांचों टाइम पे अगर नमाजी बन गए तो आप जान लें कि आपके हाजिरी को कबूल है। मेरा मसला कबूल है आप लोगों को? इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह नमाज। हाथ कम उठ रहे हैं, ले गए हो और अभी ये मेरा हाथ में होता तो मैं जानते हो हाथों हाथ मोहन साहब मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। मुझे खूब याद है मेरे बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि वहां पर खेला के मैदान में किसी मौके से बड़े मोहन साहब ने नमाज इस्तिस्का पढ़ाने से पहले अपनी घड़ी नीचे गिरा दी, अपनी घड़ी और नीचे गिराने के बाद बोले खड़े होकर, अरे भाई ये घड़ी मिली है किसकी है? तो एक मिनट तो पब्लिक में खामोशी, घड़ी देखिए चमचीली है, अच्छी वाली है, तो ऐसा बोले सब मोहन साहब मेरी घड़ी गिर गई, दूसरे बोले मेरी गिर गई, मेरी गिर गई है। तो वो फरमाते हैं अरे बेवकूफ हो, ये मेरी घड़ी है, मैं तुम्हारे जान ले रहा था मेरी घड़ी है। तो बोला था जो कौम हमेशा ऐसा तरह से चक्कर में झूठ बोल जाती हो तो अगर बारिश आएगी, सही बताओ बारिश आएगी अल्लाह की रहमत आएगी नहीं आएगी? ये कभी हमारी अपील की। अगर शराब पीते हो शराब तो हाजिरी की कबूलियत की पहचान यह है, आज यहां से तौबा करके जाना है कि अल्लाह के बली की बारगाह में, अल्लाह के बली आज हम आपको हाजिर नाजिर जानकर सब ये किए सोच रहे हैं, इसके बाद कभी हम शराब नहीं पीएंगे तो आपके हाजिरी कबूल हो, आपके हाल में कबूल। चूंकि धक्का को लगेगा कि यार ये कह जा रहे हैं आगे, मैं समझ रहा हूं आप लोगों को जा चुका, आप में शराबी नहीं है, आप में बेनमाजी हो सकता कि नहीं हो, और हो सकता है कि आपका कोई साथी शराब पी रहा हो। आपके बात में दो सी चीजें हैं जैसे बड़ी तफसीली बातें हैं, मगर मैं आपसे आज कर रहा हूं कि मेरे नौजवानों मेरे बुजुर्गो, आप अगर नमाजी बन गए तो आपकी औलाद नमाजी होगी, आप अगर नमाजी बन गए आपके घर के बच्चे नमाजी बने, आप अगर घर को सोचे टाइम पर कलमा शरीफ पढ़ोगे आपके बच्चे भी कलमा शरीफ पढ़ेंगे, और जिस दिन आपका आखिरी वक्त होगा तो यही लोग यही आपके छोटे छोटे बच्चे आपके सामने कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बाप तो दुनिया से जा रहा है कलमा पढ़कर, तो कलमा पढ़कर दुनिया से चला जा, तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस से साफ है कि वो मुसलमान जो आखिरी वक्त में कलमा शरीफ पढ़ लेता है तो मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं फकत दखल जन्ना, वो मुसलमान जन्नत में दाखिल हो जाता है जन्नत में। और एक हदीस पाक में आया है फकत वो फिराना हो उस मुसलमान की माफरत हो जाती है। आप अंदाजा लगाए आप जन्नत में दाखिल होना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो? जन्नत में जो दाखिल होना चाहता हाथ उठाकर बोलो, जन्नत जाना चाहते हो, मैं भी जाना चाहता हूँ, आप भी जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से यह करना होगा, यह करना होगा कि अल्लाह ए मालिक मौला, ए मालिक मौला हमें तौफीक अता फरमा दे कि हम जब सोए तो तेरे रसूल का कलमा पढ़कर सो जाएं, और जब सुबह को उठे तो हमारे
की जबान पर कलमे तैयबा जारी हो जाए और जिस मुसलमान की जबान पर रात दिन कलमे तैयबा जारी होता है वो मुसलमान उसकी दुनिया भी अच्छी होती है, आखिरत भी सही, आखिरत भी सही हो जाती है। इस लिहाज से कहा था आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने, उनकी महक में दिल के आवाज़ हो रहे हो भला तरासी या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, ऊंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, ऊंचे खिला दिए हैं, और जिस राह चल गए पूछे बसा दिए अल्लाह क्या जहन्नम। हमारे सिर्फ बादशाह में शायद अल्लाह और जिस मसले की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाह रहा था वो मसला अब बयान कर रहा हूं, जरा तवज्जो से इस मसले को और खास तौर से मेरी बेटियां मेरी बहनें इस मसले को सुन ले, उन्हीं से मुताल्लिक है। सबसे पहली चीज ये है औरतों को बहनों को बेटियों को मैं हर साल एक चीज को बयान करता हूं कि घर में रहकर इबादत करना चाहिए, घर में रहकर इबादत करना चाहिए, घर में रहकर छुपकर वो जितना इबादत कर ले और उसके बाद वो हाथ उठा ले मौला की बारगाह में तो उस बेटी की दुआ अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अगर वो बेटी अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करे मौला मेरा शौहर गरीब है बरकतें दे दे, मौला मेरा बेटा गरीब है बरकतें दे दे, मौला मेरा भाई गरीब है बरकतें अता फरमा दे, तो अर्श के पाए हिलना शुरू हो जाते हैं, अर्श के पाए और अर्श के पाए अल्लाह की बात हमें असर करते हैं कि मौला हम हिलते ही रहेंगे जब तक तो अपनी इस पत्नी की दुआ को कबूल नहीं कर पाए। और आज मेरी बेटी मेरी बहन मेरी अम्मा ना तो नमाज के करीब है ना रोजे के करीब है ना अपने शौहर की इज्जत के करीब है ना अपने बच्चों को रात को कलमा सिखा रही है ना पहला कलमा ना दूसरा ना तीसरा ना चौथा
और जो सिखा रही है बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। डॉक्टरों के पास सबसे ज्यादा मरीज औरत की शक्ल में है, ट्रेनों में सबसे ज्यादा सफर औरतों का तन है, न अपने शौहर के साथ न अपने बेटों के साथ तनहा सफर कर रही है। मजारों पर आ रही है तो तनहा नहीं, टोली टोली बना के, छीक आ रही है तो साहिब मजार की वारदा में, जिन्नात की असर हो गए दुनिया सबसे पहले बारगाह में। अबे जिन्नात का तो जिन्नात को दफा करने वाली है सबके सभी ये सब बैठे, इंसान को तो टाइम है ही नहीं, जिन्नात को भी टाइम नहीं आज के दौर में। कोई औरत अगर ये कहे कि मुझे बड़े पीर साहब से सवारी आती है, मुझ पर साबिल पाक की सवारी आती है, तो उससे झूठी कोई औरत नहीं, उससे झूठी औरत कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। एक औरत पर सवारी आ रही थी और तो मियां मुझे बुला के ले गए, तो हजरत चलियो भैया चले, तो मियां बोल तो अच्छा मौलवी साहब को बुला के ले गए, कहा मौलवी साहब को बुला के ले गए, तो मैंने उससे कहा उस औरत से वो हमारा काम कब होगा। अब वो चक्कर बढ़ गई औरत, मैंने कहा हमारा काम कब होगा, तो उस औरत ने बता रही है कि मैं तुझ पर तो सात जिन है, तुझ पर काला जिन है, तुझ पर पीला जिन है, तुझ पर ये है, तुझ पर साबिर पाक है, तुम मुझ पर ये है, सब कुछ बता रही थी। मैंने कहा मेरा काम कब होगा, तो छूट दे करी मोहन साहब को दबा दे आओ, ये मोहन साहब ने दबा दिया, तो कुछ नहीं है। अल्लाह का वली का अगर मसला होता तो मुझसे मुतालिक होता, आपसे होता, इन औरतों से क्यों? सही भाषा करो आप लोगों से, औरतों पर अल्लाह के वलियों की सवारी आती नहीं है यार, हम पे भी सवारी नहीं आती है, आपको नहीं आती है, अल्लाह के वली का फैज होता है, सवारी वाली नहीं आती है, फैज होता है। आप यहीं से साबे पाक के बारगाह में अर्ज़ कर दीजिए, अपने घर में बैठकर हजरत ज़ैनुल्ला शाह मजार की तरफ को हाथ उठाकर आप ये उठा लीजिए, हुजूर मुझको घर में परेशानी है, अल्लाह के बारगाह में दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए अल्लाह के बारगाह में, ताकि अल्लाह हमारी परेशानी को आपकी दुआ से दूर कर दे, इनकी दुआ को कबूल किया जाता है। मगर ये क्या चक्कर है, रात को देखेंगे इस वाले मजार पर 10 औरतें आपको मिलेंगी, रात को देखेंगे इस मजार पर 10 औरतें मिलेंगी, तुमने अपने शौहर को छोड़ दिया, तुमने कुरान को छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को छोड़ दिया, तुमने यहां को चीख रही हो, चिल्ला रही हो, क्या कर रही हो, अगर ऐसे तुम ये काम करोगी तो तुम्हारे घर से ना तो जिन दफा होंगे और जिन भी नहीं भागेंगे, अगर तुमने ऐसा काम कर दिया तो तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा, और जिस अल्लाह नाराज होता है उसे घर में कभी बरकत है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है जिससे घरों से होती आ रही है, और आप चीख चिल्लाते मुझे इस मस्जिद के नमाजियों से पता चला है, नमाजी रात को डर रहे नमाजी रात को डर रहे हैं, यहां पर इस औरत के चक्कर में डर रहे, कोई और कोई बस्ती होती और नहा ना करे क्या हो जाता, इनको शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए ऐसी ऐसी बेटियों को जो घर छोड़कर अच्छे अच्छे लिबास में यहाँ पड़ी हुई है, बुला रही है अल्लाह के वली, ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं अपनी बेटियों से शर्मा बेटी हो, ए बेटी हो तू फातिमा की कमीज हो, फातिमा फातिमा हो फातिमा, जिनके सामने हजरत हसन का भी मजार था, जिनके सामने हजरत हुसैन का मजार है, जिनके सामने हजरत हसन अली का मजार है, जिनके सामने मुस्तफा जाने रहमत का मजार है, मुस्तफा जाने रहमत का मजार ही का मजार है, तीसरा मैं भूल जाऊंगा तो सारे मुसलमान जाए तो उनके लिए शानदार चीज है, शानदार चीज है। ए मेरी इस्लाम के लखते जिगर बेटी तो जिगर पर्दा कर लेगी तो उसे फातिमा राजी होगी, जन्नत में फातिमा बाद में जाएंगे तुझे आगे जन्नत में दाखिल कर देंगी, मैं तुझसे ये रास्ते पर आ जा, ए मेरी इस्लाम के लखते जिगर मुझे वो बात याद है, इस टाइम पर तेरे पैर से ही तो हवा के बलि पैदा हुए हैं, तेरी ही पैर से हजरत मूसा आजम पैदा हुए, तेरी ही पैर से हजरत चुनैद बगदादी पैदा हुए, तेरे ही पैर से साबिर पाक पैदा हुए, तेरे ही पैर से आला हजरत पैदा हुए, तेरे ही पैर से इमाम अहमद रज़ा पैदा हुए, तेरे ही पैर से हजरत हाफिज मिलत पैदा हुए, तेरे ही पैर से वाला के बलि पैदा हो रहा है, और तू बेअमल
में उससे कबर के पट एकदम नीचे गिर गए। क्या देखते हैं उस औरत की कबर से अंधार निकलते हैं, धुआं निकल रहा है, पता चला उसका शौहर हो रहा है। शौहर ने कहा था लोगों से, लोगों दुआ कर दो, दुआ कर दो, मेरी बीवी के कबर में आजाद इलाही हाजिर हो रहा है, धुआं है, आजाद इलाही आग निकल रही है। शौहर से पूछा मुझे बात तो बता दो, आखिर सब गुनाह क्या था कि बेपर्दा रहा करती थी मेरी बीवी, बेपर्दा रहा करती थी, नमाजें नहीं पढ़ती थी, मेरा कहना ये बात की थी। तो जो औरत अपने शौहर का कहना माने, जो औरत अपने शौहर का कहना मानकर अल्लाह की बात में सर से कर ले और उस औरत पापा कर लेती, इंशाल्लाह वो औरत आना वो जन्नत ही नहीं है। तो फिर आप जिस मसले की तरफ मैंने तवज्जो दिलाई थी वो मसला सुनिया, जो हमारे जामिया फारूक अजीज लोग के दारुल इफ्ता में और खास तौर से हमारे मोबाइल में बात आता है। अब तो बहुत छोटे लोग टाइम नहीं है, अब तो मोबाइल पर बात है, मौल साहब ये मसला बता दिए थे तो ऐसा हुआ, कह रहा था हजरत थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा मसला थोड़ा तुझे शर्म नहीं आती, थोड़ा सा मसला मैंने सबको बताओ क्या मसला। तो कह रहे हैं साहब एक आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, तो मैंने बेवकूफ तरीके से थोड़ा सा बता रहे, एक तो बीवी गई उसकी, ये तो बीवी हाथों से गई, फिर ना थोड़ा समझ रहे मतलब। तो अगर शोहर का इंतकाल हो जाए, शोहर का, तो हमारे भोटों में कई औरतें ऐसी, कई औरतें ऐसी हैं वो अपनी चलाती हैं अपनी और शरीयत की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। एजेंट है, एजेंट है, जब शौहर का इंतकाल हो जाए तो उस औरत को चार महीने दस दिन, कितने बोलो सब बोलो कितने, चार महीने दस दिन एक दर्द गुजारना जरूरी है, कितना बोलो चार महीने। आप ढोल फोते हो, हाथ फोते, ये मसला आप अगर याद करोगे तो दो तक मसला फैला दोगे, तो आपकी जिम्मेदारी बन गई। चार महीने दस दिन, तो पांच औरतें ये कर रही है कि सवा महीने सवा महीने सवा महीने सवा महीने कर लो और बात पूरी हो जाएगी। अरे कम वक्त बेहया करे, क्योंकि आपकी सोच कर रही है पुराने पाक के तो खिलाफ जा रही है, हदीस पाक के तो खिलाफ जा रही है, हदीस रसूल मुस्तफा जाने रहमत ने चार महीने दस दिन के लिए कहा है और पुराने पाक में दस चार महीने दस दिन के लिए कहा के तक गुजारने के लिए। अब सवाल पैदा होता है, मेरी बहन खास तौर से सुनने चुके मसला उनसे मुतालिक है, आज ज्यादा है, ये बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, अपने सहनों में इस आज को लेके जाना। इस तक में औरत को करना क्या चाहिए, बास बास औरत ये कह देते हैं एजेंट जो है वो कर दिए हैं कि घरों में गई और जाने के बाद में ऐसे ऐसे मसले बयान करते थे उसके सामने कि मैं तुझे इस कमरे में रहना है, ये अंदर का कमरा है, अंदर के कमरे में एक चादर और लगा दो, पर्दा कर दो, तो तुझे ना बाहर निकलना है, ना कोई बाहर का कोई कोई औरत आएगी, ना कोई शायद ना पूछा, इसी में रहना है, इसी में तुझे कहीं से बाहर को निकलना ही नहीं। अभी चंद साल पहले की बात है, कुरैशी के राजे के अंदर बड़ी बोरी हो रहा था, गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन है, मैं उसको साफ सटा दिया, ये कमरा है ना तो हवा का पता है ना किसी चीज का पता, बड़ी बोरी और परेशान हो रही है, उनकी बेटियां हमारे घर आई, हमारी बीवी से उन्होंने बात की, हमारी बीवी ने हमसे मसला पूछा कि मसला क्या है, क्या वो कमरे में अंदर लिए बैठी हुई है और वो भी बिल्कुल पर्दा लगा दिया है, घर के अंदर कपड़ों का पर्दा है, तो क्या बाहर निकल सकती है या नहीं निकल सकती है, तो मियां जानते हो तो हैरत की बात है, ना तो पंखा ना कुछ है ना हवा है कोई चक्कर, ये बड़ी बोली हो रहा है। मसला ये है कि अपने पूरे घर में जहां चाहे उठे बैठे, पूरे घर में जहां चाहे उठे बैठे, सहन में रखना मेरी बेटियां भी और आप सब भी, पूरे घर में जिनसे पर्दा पहले था उनसे पार्टी के कानून से सब पूछते सब किस किस से पर्दा था, बिल्कुल कहेंगे जिससे पहले था ऐसा भी कानून या कुदरती कानून, जिस मर्द से उसका निकाह हो सकता है उस मर्द से उसका पर्दा, जिस आदमी से उसका निकाह हो सकता है
निकाह हो सकता है उससे पर्दा पर्दा है, और जिससे हमेशा के लिए निकाह नहीं हो सकता, जैसे बाप और बेटी आपस में निकाह नहीं है। अच्छा बोलो बाप बेटी का निकाह है, ऐसा सब बोलो बोलो नाम नाम है, हाथ लगा के बोलो कि बाप बेटी का निकाह नहीं है। जब बाप बेटी का निकाह नहीं है तो पर्दा भी नहीं है, माँ और बेटा दोनों के अंदर ये निकाह नहीं है तो पर्दा भी नहीं है। इसी तरीके से मामू और भांजी है, मामू और भांजी पर निकाह नहीं है तो पर्दा भी नहीं है। इसी तरीके से सगा भतीजा और फूफी हो गई उधर, सगा भतीजा फूफी आपस में निकाह नहीं है तो पर्दा भी नहीं है। अब रहा खालू का लड़का, मामू का लड़का, चच्चा का लड़का, ताऊ का लड़का, महल्ले के लड़के, इनसे निकाह है, और जब निकाह है तो पर्दा भी है, पर्दा भी है। हमारे यहाँ का ये रिवाज है, और अगर इतर पर बैठी हुई है तो महल्ले के लोग भी नहीं जाया करते, उस घर के अंदर जाते हैं तो आसान सकार पर जाते हैं, तुम थोड़ी देर के खाना खा जाओ, वहां से कोई बात नहीं है। यहाँ से घर में पर्दे में खास अंदर दबे रहना ये कोई जरूरी नहीं है। एक कमरा ये है, एक ये है, तीन चार दस कमरे घर के अंदर पूरे मौजूद है, पूरे घर में जहां चाहे आए जाए आए जाए आए जाए। अब जो इसकी वजाहत है वो बाकी चीजें बड़ी खास चीज आपको बता रहा हूं। इज्जत और काफिर करती क्यों है, ये सवाल पैदा होता है, इज्जत काफिर है क्यों, ये शौर का इंतकाल हो गया, शौर का इंतकाल हुआ तो शौर के इंतकाल के बाद इज्जत गुजारेगी चार महीने दस दिन। अच्छा कितनी गुजारती याद है, कितनी है, चार महीने दस दिन, तो चार महीने दस दिन वो इज्जत में बैठ गई। अब उसको करना ये पांचों टाइम की नमाज, पांचों टाइम की नमाज, पुराने पाप की तिलावत, और पुराने पाप खड़ी हुई नहीं है तो तस्बीह ले ले, उस पर दरूद पाक, उस पर कलमा शरीफ, और हर नमाज के बाद अल्लाह के बाद में दुआ करते मौला मेरा ताजदार दुनिया से गया है, मेरे ताजदार की मफरत फरमाते, हे मालिक मौला मैंने पुराने पाप पढ़ा है, मेरा शौहर दुनिया से गया है, अल्लाह मेरे शौहर को मफरत फरमाते। तो वो औरत ही क्या है जो चार महीने दस दिन में अपने शौहर को अल्लाह से बख्शवा ना सके, बख्शवाना चाहिए अल्लाह के मार्ग में, उसको हमेशा दुआ करना चाहिए, मौला मेरे शौहर को नफरत फरमा दे, इधर ये दुआ कर दे, और चार महीने दस दिन उसकी आदत बन जाएगी नमाज पढ़ने की, उसकी आदत बन जाएगी पुराने पाक पढ़ने की, उसकी आदत बन जाएगी दरूद पाक पढ़ने की, उसकी आदत बन जाएगी कलमा शरीफ पढ़ने की। तो चार महीने दस दिन जिसकी आदत बन जाए तो पढ़ने को मर जाएगी, मगर उसकी आदत खत्म नहीं हो सकती। इस लिहाज से मैं जरूरी मसलों को अपने सामने रखा है आप लोगों के, और खास तौर से मेरी बहनों के, चार महीने दस दिन मुझसे भी कुछ लोगों ने कहा था हजरत ये बड़ा सरफसाद है कि इतना चार महीने दस दिन तो है अब कैसे कैसे है। उस टाइम का औरत नए कपड़े ना पहने, नए कपड़े ना पहने। अच्छा सही बताओ, बहुत गौर से सोच सोच से मसला पूछ रहा हूँ, शौहर का इंतकाल हो जाता है तो सही बताओ औरत तो अपने शौहर की कब्र पर जाती है या नहीं। फंस गया बोलो बोलो, अच्छा हाथ उठा के बोलो, जाती है नहीं जाती। शौहर से बड़ा दर्द किसका होगा, साफ साफ शौहर से बड़ा दर्द किसका होगा, शौहर को छोड़ छोड़ उसको तो अपने शौहर के बारे में जाना चाहिए मगर नहीं जाती। यहां आती है रात को चीखने चलाने के लिए, यहां आती है, जाना चाहिए था शौहर के बार में, तो शरीयत ने मना कर दे, वो जानने के शौहर के बार में जाना जायज नहीं है। जब ये जाना जायज नहीं है तो रातों को यहां घुसाना, यहां चीखना, ये चिल्लाना कौन सा जायज हो गया, खुली हुई है पूरी लग रही हो किसी तरीके से, चूंकि आप मेरे अपने हो इन मसलों को मैं आपके सामने बयान नहीं करूंगा, आप ना सुनेंगे तो मेरी बात आप कौन छोड़ेगा। इस लिहाज से आप सर्च कर रहा हूं, अल्लाह के वली की बात हमें जाने का तरीका यह है, आप जाइए और काबे की तरफ को पीट करके जिधर मुर्दे का चेहरा होता है उधर हाथ बांध कर खड़े हो जाइए। कितना पुराने पाप याद है, इतना पढ़ लीजिए, खाली यही क्या आपके माँ की कब्र मौजूद होगी, आपके बाप की कब्र मौजूद होगी, इस कब्रिस्तान में आपकी बेटी जिसके लबों को तुमने घोष कर दिया होगा वो इस कब्रिस्तान के अंदर महफूज होगी, जिस माँ ने तुमको अपने छात्र से नबी दूर मिलाया था वो माँ इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद होगी, जिस बाप ने तुमको अपने बचपन के अंदर तुम्हारे बचपन में अपने कांधे पर उठाया था वो बाप यहाँ पर मौजूद होगा, इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद होगा। उस दीवार में जाने के बाद में जितना पुराने बात है याद हो पढ़ लो, और पढ़ने के बाद में हाथ उठा लो दुआ कर लो मौला ए मालिक को मौला मुझसे पढ़ना सही से नहीं आता है मगर मैंने पढ़ा है जो कुछ पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ मैंने पढ़ी है,
कुल हजरत है कि मैंने पढ़ा है। अपने से तो कबूल फरमा ले, कबूल फरमा कर मेरी अम्मा के दर्जे को बुलंदियता फरमा दे और तेरे अब्बा के दर्जे को बुलंदियता फरमा दे। ए मौला मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है, मेरी बीवी के दर्जे को बुलंदियता फरमा दे। मेरी बेटी इस कब्रिस्तान में है और यही नहीं बल्कि जितने मुसलमान इस कब्रिस्तान में है मौला सबके बार बार मैंने पेश करता हूँ, सबके दर्जे को बुलंदियता फरमा दे। तो मौलाया जी मौलाया जी के रसूल फरमाते हैं एक मुसलमान हाथ उठाकर अपने रब के बार में दुआ करता है और अपनी माँ की मफरत चाहता है, अपने बाप की मफरत चाहता है, अपने घर वालों की मफरत चाहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं उसके हाथ नीचे नहीं गिरते, उससे पहले उसे दुआ करना तो कबूल करवा ले अल्लाह ताला, उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। मगर मांगने वाला तो चाहिए, मांगने वाला चाहिए कि मोहम्मद से वफा तू में कसम तेरे ये जहाँ चीज सहलो हो तेरे है। तो मेरा मशवरा मेरी बहनों से ये है, मेरी बेटियों तुम रातों को यहाँ पर चीखें चिल्लाने के लिए मत आओ, तुमको तुम्हारी तुम पर नजर दूसरों की पड़ रही है। हम लोग वोटों के मत बदनाम हो रहे हैं इसी सूरत के अंदर, तुम्हारा शौहर बदनाम हो रहा है, तुम्हारे बच्चे बदनाम हो रहे हैं, कौन चीख रहा था हमारी बीवी चीख रही है, क्यों ऐसा काम कर रही है, ये तुम्हारा काम चीखने का नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहने के बाद मौला मुझे जो भी परेशानी है मेरी परेशानी को दूर फरमा दे। हे मालिक को बोला मुझ पर जो परेशानी आई है, मुझ पर जो परेशानी आई है उस परेशानी को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा दे। एक बंदी अल्लाह के बाद में जब हाथ उठाकर दुआ करेंगे मौला तबारक व तआला को दूर फरमाया करता है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, बातों की मतों की जिम्मेदारी बनती है। अगर ऐसा कोई मसला है भी तो किसी आमिल अच्छे आमिल को दिखा देना चाहिए। मैं ये मजार पर रात को रहना चीखना चिल्लाना खत्म की जायज नहीं है, यह हराम 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 है। इस तरह से मैं आपसे सब आप मेरे अपने हो इस मसले अपने सहनों पेट में लेकर चलना। कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हजरत फातिमा पर जब मैं जिन्नात आए थे या हजरत फातिमा के घर के अंदर जिन्नात का पहरा रहा करता था, कुछ नहीं था, उनकी दुआओं में असर है, वो रसूल पाक के नक्शे जिगर है, आज हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। बस इसी पर इतने भर तो मेरी इन बातों पर अमल कर ले, अल्लाह ताला आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मुझको भी तोहफी के अमल के तोहफी अदा फरमाए। देखो मरना सबको है, सबसे मरना है, सबको मरना है, सबको जाना है, आपको जाना है। मेरी बेटी जब दुनिया से जाए, मैं रानी नागल जब एक दफन में गया तो रानी नागल में दुनिया कब्र के चारों तरफ जो है वो पर्दा लगा दिया, कपड़े का पर्दा होता है, शायद आपके यहाँ भी ऐसा हुआ या नहीं हुआ है, ऐसी यहाँ पर भी होता है। तो मुझे उस दिन यार इस औरत के लिए चारों तरफ पर्दा लगाया जाता है ताकि किसी के निशान ना पड़े, मगर आज की बहन का आलम यह है कि बेपर्दा घूम रही है, बेपर्दा मारी भी कर दिया और मरने के बाद में मुसलमान इसका इतना एहतराम कर रहे हैं। अगर बाकी ये पहले से पर्दादार होती तो फरिश्ते भी उसका इस्तेमाल करते, सब कुछ का इस्तेमाल करते। हदीस पाक में यहां आता है एक मुसलमान मर्द और औरत में जब जनाजा जाता है और अगर वो नेकोकार हो नमाजी हो ऐसा मुसलमान हो जिसने अपने पाप की इज्जत की हो, जिसने अपने पाप की इज्जत की हो, जिसने अपने पड़ोस की देखभाल की हो, जिसने अपने पड़ोस में रहने वाले यतीम के सर पर हाथ रखा हो, ऐसे मुसलमान है। अगर बाकी ऐसे ऐसे देखभाल की हो तो मेरे मुस्तफा इशारा फरमाते हैं फरिश्ते उस मुसलमान पर उसके लिए मगफरत की दुआएं करते हैं, मगफरत की दुआएं करते हैं। तो मुझे अब बताओ ऐसी सूरत में आप लोग अपने लिए फरिश्तों की दुआएं चाहते हैं, जैसे बताओ चाहते हैं दुआएं मरने के बाद दुआएं चाहते हैं फरिश्तों की, फरिश्तों की दुआएं आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, मेरी बहने बेटी भी चाहती है। अगर चाहते हो दुआएं तो आज से ये हम ये तहिया कर लें, तहिया कर लें, हम पांचों टाइम की नमाज अदा करेंगे, अपनी माँ की इज्जत करेंगे, अपने बाप की इज्जत करेंगे, हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे और कुरान पाक जब पढ़ा जाता है तो कसम अल्लाह की पूरे घर में बरकत होगा, नुज़ूल होता है। मेरी बेटी फजर की नमाज अदा करने के बाद में एक पारा नहीं से एक रुकू ही आकर तिलावत में कुरान पाक का कर ले, उसके बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा, उससे सर में रहमतों के नुज़ूल हो जाएंगे। और छोटा छोटा बच्चा जिसकी जबान अभी नहीं, अरे माँ तो सबसे पहला मदरसा,
है, सबसे पहला मदरसा है। अभी जब मदरसे के बाद आ गई तो मौलाना इमरान साहब ने और मुझे हाजी शकील साहब ने अभी चंद दिनों पहले बताया था कि यहाँ पर मदरसे के लिए जगह ले दी गई है, मदरसे के लिए इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर सोचता हूँ, आप लोगों के लिए, ताकि इस मदरसे से बच्चा निकले उसकी जबान पर जाने हो जाए मुस्तफा जाने रहमत पर आपको सलाम, सब में बस वही हिदायत पर आपको सलाम। इस बच्चे से तभी यहाँ से बच्चा निकलेगा, किसने भेजा है, माने भेजा है पढ़ने के लिए इस मदरसे के अंदर, जब निकलेगा तो उसकी जबान पर जारी हो जाए। जितने बेकार वाले नोट हो तो इनाम नहीं दिए जाते, अपने बच्चों छोटे छोटे बच्चों को सजाकर स्कूल तो जरूर भेजना चाहिए, कोई बात नहीं है, मगर सबसे पहला मदरसा तुम्हारा कुरान पाक है, सबसे पहला कलमा तैयबा है। इस बच्चे को आप ये मामूली समझ रहे हो, ये बच्चा ऐसा ऐसा जारी हो जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो गया, जब दुनिया से जा रही है तो मुस्तफा की तरफ से जमानत मिल गई, जो औरत आखिरी टाइम पर कलमा पढ़ते हुए अल्लाह की बारगाह में जाती है जन्नत के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। और जब बेटा हाफिज जब कुरान बन जाए, मुझे इसी भोजपुर कलकत्ता एक साहब ने मुझे बताया कि मेरा बच्चा, मेरी तमन्ना यह है कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, बजाय और इमाम के मेरी नमाज से जनाजा मेरा बेटा पढ़ा दे तो मेरी बड़ी खुश नसीब थी, बड़ी अच्छी तमन्ना थी, मगर हमारे भोजपुर के मुआशरे ने हमें बर्बाद करके रख दिया, सही बता रहा हूं, बर्बाद कर दिया। उसने 6-7 पारे हिस्से किए और लोडो के चक्कर में पड़ गया, लैंड के पार जाना शुरू कर दिया, क्या क्या शुरू कर दिया उसने, क्या क्या होना चाहिए सब शुरू कर दिया, बाप दिल महसूस रह गया, बाप परेशान हाल हो गया, आखिर मैं क्या करूं, तो बाप की तमन्ना तो अपनी जगह अच्छा थी, ठीक है, अगर वो बेटा हाफिज कुरान कार्य कुरान आलिम दीन अगर बन जाए, मौलाना हनीफ को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मौलाना नासिर साहब को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं है, आपका बच्चा ही आगे बढ़ जाए तो माँ की रूह खुश हो जाएगी, माँ की रूह खुश हो जाएगी, कम से कम ऐसा ऐसा पढ़ते जाओ। मैंने सूरत हाल हमारे यहाँ पर यह है, बाप हर बीमार हो रहा है तो मदरसा खारिज में जाया जा रहा है, मदरसे में जाया जा रहा है कि मौलवी साहब मेरे बच्चे मेरा बदन तैयार हो गया है, जाए पुराने बाप के पढ़वा दो, उससे ये कहता हूँ कि मैं तुम वापिस तैयार करना है अपने बाप के लिए, क्या तुम पुराने बाप नहीं पढ़ते, अपने बापा के बारे में तुम जाने तैयार नहीं हो, 10वें तक पहुंच जाएगा, 20वें तक भी वो खत्म हो जाता है, क्या हुआ, बाप ने जायदादें बनाई थी, अच्छी बिल्डिंगें दी है बाप ने सबको दिया था, मगर बेटा कमर पर जाने के लिए तैयार नहीं है, इस यहाँ से अपने अमल को खुद दुआ कर लो, बेटा जाए ना जाए तुम्हारी कमर पर फरिश्ते ये तो तुम लोगों को सलाम भेजेंगे, अगर तुम अच्छे होगे, नमाजी होगे, रोजदार होगे, कुराने पाक की तिलावत करने वाला होगे, अगर तुम्हारी जबान पर रात को सोते टाइम पर मुस्तफा की बार बातें अगर तुम पर सलाम निकल गया तो रसूल पाक फरमाते बेही साहब मुसलमान जन्नत में दाखिल होता था, तैयार होता है, हम कर ही नहीं रहे, हमारे नौजवान को मालूम यह है, जाते तो बनी के मालूम हो मगर फैल हासिल करने चक्कर में नहीं है, वह कितने आलम, तो ये मैं सही बता रहा हूँ, तो लोलियों को देखने जा रहे हैं पाकिस्तान में, लोलियों को, अरे कहाँ है, कौन सा ये है जसपुर से, बड़को कौन सा बाजार, कालू शहीद बाबा का, कालू शहीद बाबा का हर शुक्रवार को जा रहे हो, हर शुक्रवार को लोडी ला रही है, लोडी खिलाड़ी में ट्राली भरी जा रही है, हम चले जा रहे हैं सबके साथ, ताली भर के गाली है, महीने के 2-4 नौजवान है, भुट्टो का पता नहीं, उसके शोहर का पता नहीं, कोई पता नहीं है, या तुम चली गई, मैं तो कमाने के जा रहा हूँ, उस नौजवान को तुमसे फेंक दिया, बुरका होकर कहा जा रही है, अगर तो क्या करने जा रही है, अगर तू अपने शोहर को राजी कर लेती तो वो अल्लाह के वली भी राजी हो जाते, और यहाँ पर तो अपने शोहर को राजी कर लेती, यदि अल्लाह
के बड़ी राजी हो जाती, अगर तुम अपने शौहर को राजी कर लेती। रसूल पाक को यहां का बताते हैं कि मरते टाइम पर अगर उसका शौहर उससे राजी है, उसका शौहर उससे राजी है तो जन्नत ही औरत की पहचान है, जन्नत की औरत की पहचान है। इसी तरीके से जो औरतें अपने शौहर को सताती है, वो भी सुन लें, अपने शौहर को सताती है तो मिश्कान शरीफ के हदीस पाक में आया है कि जन्नत की हूरें उस बदबख्त औरत से ये कहती है, एक बदबख्त औरत तो अपने आप को ज्यादा खूबसूरत समझ रही है, तो उससे बड़े खूबसूरत हम हैं। और इस गरीब मुसलमान के हिस्से में जन्नत में हम है। अगर तू राजी करना चाहती है अपने शौहर को राजी कर ले, वरना इसको हम अपने पास बुलाने के लिए। ये क्या बात है, ये मेरी बात नहीं है, मेरे मुस्तफा की बात है, मेरे मुस्तफा का फरमान है, पुराने पाक का फरमान है। तो पुराने पाक पर हदीस पाक पर अमल हम ही नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आज से ये इरादा करना है हम लोग, जब हरे लड्डू के चक्कर में नहीं, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ यहाँ पर आए हो तो पांचों दिन की नमाज का इरादा आज ही कर लेना, मौत का कोई पता नहीं। रात को जब सो गए मोबाइल बाजी बिल्कुल बंद कर दो, रात को खत्म कर दो मोबाइल बाजी। लौंडे हमारे मोबाइल बाजी में लगे हुए हैं, 200 के दरवाजों पर काले काले और पीली पीली टी जो है टू जो है दूसरे दरवाजों नंगीन कर देते हैं रात को। मेरे बच्चे तुझे भूखा गया है, तुझे तो नमाज याद कर लेना चाहिए थी। जुमरात के रोज खास तौर से जामिया फारूकिया में बैठ जाता हूँ, असल के बाद में महल्ले के बच्चे आते हैं, महल्ले के बड़े भी आते हैं, बच्चा कहते जरूर पड़ेगा जुमरात में, नहीं हमारे यहाँ दिमाग का दूर पड़ेगा। मैं उससे कहता हूँ क्या तुम्हें जरूर याद नहीं है क्या? तो वही खामोश हो जाता, तो याद आखिर तुम कर क्या रहे हो? दरों का कोई मसला नहीं है। इन से पूछ एक मतलब हम तो शरीर पढ़ लें, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, इनको बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरी बहनों को भी मैं मसला बता रहा हूँ, किसी बुलाने की जरूरत नहीं है। एक मतलब हम तो शरीर पढ़ लें और तीन मतलब कुल बोलना शरीर पढ़ लें, खाना पानी सामने रखा हुआ है सब कुछ है, उसके बाद हाथ उठाते मौला आप ये तरकीब याद कर ले सही तरीके से। मौला इसका सवाल सबसे पहले रसूलुल्लाह की बारगाह में, फिर सारे नबियों की बारगाह में, फिर सारे सारे वलियों की बारगाह में, सहाबा की बारगाह में, और खास तौर से मेरे अम्मा बार बार में जुमरा तो खाना रखे पानी रखे हमारे यहाँ का रिवाज है, इतना कर ले और कर देने के बाद में हाथ उठा ले, यही मेरी बहन, यही मेरी बेटी, यही मेरी माँ। जब दो फटे के अंदर हाथ बताए मेरे मेरे मौला पर रहम आ जाएगा, मेरी इस बच्ची पर और मेरी इस बच्ची पर मेरी बेटी पर रहम आ जाएगा, अल्लाह को अपनी बंदी पर रहम आ जाएगा। मेरी बंदी मेरे सामने हाथ फैला रहा है, तो कम से कम हाथ उठाने वाला हाथ फैलाने वाला तो होना चाहिए। आप रात को उठकर तो देख लो, तहज्जुद की नमाज पढ़ के तो देख लो, इंशाल्लाह जिस दिन तहज्जुद की नमाज अदा करोगे और अपनी आंखों से आंसू निकालोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उन आंसू को कबूल फरमाता है, जब दोषों के आगों को बुझा देता है तुम्हारे आंसू की बुनियाद पर। इस लिहाज से इमाम अहले सुन्नत ने कहा था कि अल्लाह आ जहन्नम में न सती होगा, अभी न सती होगा, अल्लाह का जहन्नम में अभी न सती होगा, और रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा के घरों में इन बलियों का फैज अदा करवाए, सबको अल्लाह ताला नमाजी बनाए, सबकी बहन बेटियों की सही तौर से इज्जत के साथ शादी कराए, तो रिश्ते अदा करवाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपको मैं आपसे अर्ज कर दूं, कुल का टेंपल भी तो करीब है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना WH वाली को। जेरो शो बाबा का इस तरीक की हमने दोस्तों हमारी सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।